हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको गृह विज्ञान का पाठ 3 घर की सफाई के विषय में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको परिचय दे देती हूँ कि सफाई का क्या मतलब होता है। देखिए, सफाई का मतलब होता है घर में हर चीज़ जो है व्यवस्थित रूप से, सही ढंग से, सही जगह पे रखी गई हो, ठीक है। और व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सफाई की एवं स्वच्छता की अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि अगर हम स्वच्छ रखते हैं अपने घर को और सफाई रखते हैं तो हम लोग मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हम लोग जो हैं बिल्कुल फिट रहते हैं। और हमारे घर में चाहे कितना भी अच्छा फर्नीचर हो, कितनी भी महंगी वस्तुएं लगी हों, या हमारा घर हमने बहुत अच्छे तरीके से निर्माणित करा रखा हो, बनवा रखा हो, लेकिन अगर हमारे उस घर में सफाई नहीं होगी, चाहे हमने कितने भी महंगे से महंगे चीज़ें लगा रखी हों, उनकी सफाई नहीं की जाएगी, उन पर धूल मिट्टी जम रही होगी या वो गंदी हो रही होंगी, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो घर की सफाई जो है उसका बहुत ही महत्व है। और घर में जो है अनेक प्रकार की, अगर हम सफाई ना करें तो अनेक प्रकार से जो है कीटाणु फैल जाते हैं या कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको सफाई का अर्थ। देखिए, सफाई का अर्थ है कि घर में गंदगी का ना होना। सबसे बड़ी बात है कि घर में गंदगी का ना होना ही क्या है, सफाई है। और दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि सिद्धांत रूप में जिस वस्तु को जहाँ नहीं होना चाहिए उसका वहाँ पाया जाना ही गंदगी है। प्रत्येक वस्तु का अपने निश्चित स्थान पर पाया जाना ही क्या कहलाया जाता है, सफाई कहलाया जाता है। व्यवहारिक रूप से घर के कूड़े का कूड़ेदान में होना सफाई का तथा जहाँ तहाँ फैला होना घर में गंदगी का प्रमाण है। तो घर में छिलकों का बिखरा होना, गंदे कपड़े का सोफे या कुर्सी आदि पर पड़ा होना, तो ये सब जो है गंदगी ही मानी जाएगी। अब आता है सफाई के प्रकार। देखिए, सफाई के प्रकार, सफाई 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपका दैनिक सफाई। दैनिक सफाई से मतलब उस सफाई से है जिसको हम प्रतिदिन करते हैं। देखिए, प्रतिदिन हम घर में झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, किचन साफ़ करते हैं, बर्तन भी साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो ये सब जो है हमारा दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें जैसे स्नान गृह है, शौचालय है, इनकी सफाई भी नित्य रोज करनी चाहिए। नहाने के बाद हमें बाथरूम वगैरह जो है साफ़ कर देना चाहिए, धोना चाहिए। और स्नान गृह में इस्तेमाल होने वाली, स्नान गृह में जो हम बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, मग आदि करते हैं, उनको भी हमें नहाने के बाद साफ़ करके उल्टा करके रख देना चाहिए ताकि उनमें कोई कीटाणु ना हो। और इसके अलावा जो है शौचालय की भी सफाई हमें नित्य करनी चाहिए। इसी तरह से घर की नालियों एवं अन्य स्थानों की भी हमें सफाई करते रहना चाहिए। और इसके बाद आता है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई से तात्पर्य है ऐसी सफाई जो हम करते हैं, यानी कि हमारे पास रोज़ इतना समय नहीं होता है कि हम उस सफाई को रोज़ कर सकें। जैसे देखिए, जैसे जाले लग जाते हैं घर में, तो उनको हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ कर देना चाहिए। घर में दरी होती हैं, फर्नीचर होता है या कालीन वगैरह होता है, इनको झाड़ना चाहिए। और अगर सर्दियों का मौसम है, धूप है, तो कभी कभी हफ्ते में उनको धूप भी लगा देनी चाहिए। कीटनाशक दवाई जो है वो भी हमें छिड़क देनी चाहिए। तथा घर की जो फर्नीचर है, कभी कभी क्या होता है कि उनमें जीव पैदा हो जाते हैं, जैसे खटमल आदि, तो इनमें जो है कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किचन का जैसे दाल मसाले वगैरह होते हैं, इनके जो डिब्बे होते हैं, उनको भी हमें जो है साफ़ करके धो के और सुखा कर रख देना चाहिए। इसी तरह से घर में गंदे कपड़े हैं, चादरें हैं, इनको हमें जो है हफ्ते में एक बार धो लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं ये हमारी साप्ताहिक सफाई में आती है। इसके बाद आती है हमारी मासिक सफाई। देखिए, मासिक सफाई वो सफाई है जिसे हम सप्ताह में भी नहीं कर सकते, लेकिन महीने में एक बार हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। यानी कि महीने में एक बार की जाने वाली सफाई को बोलते हैं हम मासिक सफाई। इसमें विशेष तौर से जो है भंडार गृह या स्टोर रूम की सफाई आती है। रसोई का भंडार गृह होता है ना, जहाँ पर हम अचार, मुरब्बा, चटनी वगैरह ये सब रखते हैं, है ना। और भंडार घर का जो सामान है वो भी हमें झाड़ लेना चाहिए महीने में एक बार, डिब्बे सारे पोंछ देने चाहिए, अचार चटनी वगैरह को धूप में लगा देना चाहिए। तो ये सब जो आता है वो मासिक सफाई में आता है। इसके बाद आती है वार्षिक सफाई। यानी कि दैनिक सफाई और साप्ताहिक और मासिक सफाई के अतिरिक्त एक सफाई होती है जो है वार्षिक सफाई, यानी कि वर्ष में एक बार की जाती है। हमारे देश में, भारत में ज़्यादातर जो है
दिवाली से पहले ही सफाई को किया जाता है। दिवाली से पहले ही क्यों किया जाता है? देखिए, इसलिए किया जाता है क्योंकि दिवाली से पहले जो है बरसात का मौसम लग जाता है, जिसमें मच्छर या और कीट जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो जब हम सफाई करते हैं दिवाली की, तो इस तरह की सारी गंदगी जो है वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा घर में कोई टूट फूट हुई है, कहीं मरम्मत करानी है, कुछ कराना है, तो ये भी हम साल में एक बार करा सकते हैं। और पुताई वगैरह का कार्य तो जो है साल में एक बार ही करवाया जाता है, और करवाना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए साल में एक बार, ताकि जो है हमारे घर में जो कीट या कीटाणु हैं वो भी सब उसमें मर जाएं। तो वार्षिक सफाई के अवसर पर घर के सामान को जो है छांटा भी जाता है, तथा फालतू के सामान को जो है निकाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है आकस्मिक सफाई। देखिए, आकस्मिक सफाई कौन सी सफाई होती है? आकस्मिक सफाई वह सफाई होती है जिसमें जो है जो अचानक हमें करनी पड़ती है, जैसे अचानक से काफ़ी तेज़ आंधी आ जाना, धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाना, ये सब जो है आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आता है। और कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा होती है, घर में गंदगी हो जाती है या कहीं पानी भर जाता है, तो वो सब हमें अचानक ही करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो आता है आपका सफाई का महत्व या आवश्यकता, यानी कि सफाई का क्या महत्व है और उसकी हमें आवश्यकता क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट है घर की सुंदरता में सहायक। देखिए, अगर हम घर में सफाई रखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारा घर की सुंदरता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वो आकर्षक लगता है। और फर्नीचर भी घर को सुंदर बनाने में, अगर हम घर की फर्नीचर को साफ ना करें तो वो भी हमारे घर को सुंदर नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमें जो है घर को सुंदर बनाने के लिए जो है सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। फिर है सेकंड पॉइंट आपका, कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। देखिए, जब हम स्वच्छ अपने घर को साफ करते हैं, नित्य उसको सफाई करते हैं, तो क्या होता है कि रोगाणु जो है पैदा नहीं होते हैं, और कीटाणु जो पनपते हैं वो मर जाते हैं। तो कीटाणु, बल्कि मैं कहती हूँ कि अगर प्रॉपर सफाई हम घर में कर रहे हैं तो हमारे घर में कीटाणु जो है वो पनपेंगे ही नहीं, और हमारा घर कैसा रहेगा, कीटाणु मुक्त हो जाएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक, यानी कि जो अगर हम घर को सफाई करते हैं तो हम जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी चुस्त रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है गृह व्यवस्था एवं कार्य सुविधा में सहायक, यानी कि गृह व्यवस्था और कार्य सुविधा, यानी कि जब हम घर में सफाई रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, हम सभी चीज़ों को उनके नित्य जगह पे, सही जगह पे रखेंगे, तो हमें जो है कार्य करने में भी सुविधा होगी, और हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हमें वो तुरंत मिल जाएगी। अगर हम अपने घर के सामान को अस्त व्यस्त तरीके से रखेंगे और हमें कोई काम करना है तो पहले तो हम सामान ढूंढने में अपना समय ख़राब कर देंगे। तो इसलिए गृह व्यवस्था एवं कार्य को जो है कार्य में सुविधा में सहायक है स्वच्छता या सफाई। फिर है जीवन स्तर को ऊंच बनाने में सहायक। तो अगर हम घर में सफाई रखते हैं तो किसी भी परिवार का जो रहन सहन का स्तर है उसका मूल्यांकन करने के लिए अन्य कारकों के साथ साथ घर की सफाई को भी ध्यान में रखा जाता है। गंदगी युक्त घर में रहने वाले परिवार के जीवन स्तर को किसी भी स्थिति में हम ऊंचा नहीं मान सकते। घर की सफाई परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में भी सहायक होती है। इसके बाद आता है आगंतुकों द्वारा प्रशंसा, यानी कि हमारे घर में जो आने वाले हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर हमारा घर सही तरीके से साफ़ होगा, स्वच्छ होगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, तो वो सब जो व्यक्ति हमारे घर में आएंगे वो हमारी प्रशंसा करेंगे और गृहिणी की प्रशंसा करेंगे। फिर वह व्यावसायिक सफलता में सहायक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर घर में सफाई रहती है, स्वच्छ रहता है, तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब जब हम स्वस्थ रहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम अपने व्यवसाय को सही तरीके से या हमारे कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये सफाई का जो महत्व है ये हमारे व्यावसायिक सफलता पर भी प्रभाव डालता है। इसके बाद आता है सफाई के लिए आवश्यक साधन तथा सामग्री। देखिए, घर में सफाई के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पुराने कपड़ों की, ब्रश की, झाड़ू की, बर्तन की, और इसके अलावा और भी बहुत सी सामग्री हैं, जैसे पुराने कपड़े, फर्श, फर्नीचर आदि की सफाई के लिए हमें पुराने कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी देखिए, सूखी सफाई के लिए मोटे झाड़न, जैसे कि साधारण सफाई के लिए, या नरम चमड़े के टुकड़े हमें चाहिए होते हैं, किसके लिए, शीशा व चांदी की वस्तुओं को साफ़ करने के लिए। फिर है फलालैन की झाड़न, ये पॉलिश के लिए।
अब आता है गीले काम के लिए। गीले काम के लिए हमें स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। सनमाइका का फर्नीचर जो है साफ़ करने के लिए हमें स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। मोटा मजबूत कपड़ा भी हमें चाहिए होता है, जैसे फर्श की सफाई करने के लिए, पोछा लगाने के लिए हमें मोटा मजबूत कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। फिर है साधारण सफाई के लिए। साधारण कपड़ा यानी कि स्नान गृह, वॉश बेसिन और अन्य वस्तुओं की सफाई के लिए हमें जो है साधारण कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से झाड़न जो है रसोई में बर्तनों की सफाई के लिए कपड़े के छोटे टुकड़े चाहिए होते हैं पॉलिश इत्यादि के लिए। इसके बाद आता है ब्रश व झाड़ू। देखिए कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि नारियल के सीकों वाली झाड़ू यानी कि जिनकी लंबी लंबी तिल्लियाँ होती हैं, ये धुलाई में काम आती हैं, या सख्त तिनकों के ब्रश जैसे कि दरी, कालीन, मोटे गद्दों के आदि की सफाई के लिए हमें जो है सख्त तिनकों वाले ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। फिर है तार का मजबूत ब्रश, यानी कि इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। फ्रश पे कभी कभी क्या होता है, जहाँ पानी का कार्य होता है वहाँ पर काई जम जाती है, तो वहाँ पर उसको रगड़ने के लिए, साफ़ करने के लिए हमें जो है तार के मजबूत ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा नरम कपड़े, जैसे कि फ़र्श की सफाई के लिए नरम झाड़ू अथवा नरम ब्रश की भी आवश्यकता पड़ती है, और दीवारों व छतों पर लगे जो जाले होते हैं या धूल होती है उसको साफ़ करने के लिए, लंबे बांस में हम कपड़ा बांधकर उसको साफ़ कर सकते हैं। फर्नीचर की सफाई के लिए और पॉलिश के लिए भी हमें जो है नरम कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। अब फिर जूतों का ब्रश, जूतों का ब्रश जो है वो नरम मिट्टी झाड़ने के लिए वो पॉलिश करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें कुछ बर्तनों की भी आवश्यकता पड़ती है सफाई करने के लिए, जैसे कि कूड़े को रखने के लिए हमें ढक्कन वाले कूड़ेदान की आवश्यकता होती है। कूड़ा उठाने के लिए छोटे तसले की या जिसे बोलते हैं डस्टबिन, उसकी आवश्यकता पड़ती है, और मग की, लोटे की आवश्यकता होती है छोटे छोटी सफाई के लिए, तामचीनी के प्याले या तश्तरियाँ ये पॉलिश के लिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारी अन्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि देखिए साधारण सफाई के लिए जो है साबुन की, साबुन, सोडा, रेत, राख, विम, स्प्रीट, नमक, सफ़ेदी, पैराफिन, अमोनिया आदि की आवश्यकता पड़ती है। और दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नींबू व हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तारपिन का तेल, सिरका, क्लोरीन, स्प्रीट, बेंजीन, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए काम में आते हैं। फिर है जीव जंतु और कीट कीटाणु नाशक, इनकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है कीटाणुनाशक दवाइयों की, जैसे कि फिनाइल है, लाइजोल है, हॉर्पिक है, फिनिट है, डीडीटी है, चूना है, मिट्टी का तेल है, ये सब क्या होते हैं, सब कीटाणुओं को या मारते हैं, इसलिए हमें कीटाणुनाशक जो है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करते रहना चाहिए। फिर है फर्नीचर, धातुओं और शीशों आदि की सफाई के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए आजकल जो ये वस्तुएं होती हैं इनकी सफाई हेतु जो है बाज़ार में अलग अलग प्रकार की जो है पॉलिश, क्रीम, वार्निश आदि बहुत सी ऐसी सामग्री आ रही हैं। घरेलू उपयोग के लिए हमें अच्छी पॉलिश व क्रीम कम परिश्रम से घर में भी तैयार की जा सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ मेथड्स रखे हैं जिससे हम फर्नीचर या धातुओं की चीज़ों को साफ़ करने के लिए कुछ घर में हम बना सकते हैं क्रीम वगैरह, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फर्नीचर क्रीम का निर्माण कैसे करेंगे। इसमें देखिए साबुन दे रखा है, साबुन 1 ounce, गर्म पानी 1 point यानी कि लगभग 350 milliliter, मधुमक्खी के छत्ते से निकला मोम ये 2 ounce, और सफ़ेद मोम 1 ounce, तारपीन का तेल 1 point, और इनको बनाने की विधि दे रखी है कि गर्म पानी में साबुन को घोल का घोल बनाएं, मोम को छोटे छोटे कतर कर किसी जार में डालिए तथा ऊपर से तारपीन का तेल भी डालिए। फिर है जार को किसी पानी के बर्तन में रखकर हल्की आंच पर रखना, रखकर गर्म कर दीजिए, मोम पिघल जाने पर उतार लीजिए, ठंडा होने पर साबुन तथा मोम के घोल को अच्छी तरह से हिलाते हुए मिला दीजिए जिससे क्रीम बन जाएगी। तो इस तरह से जो है फर्नीचर को साफ़ करने वाली एक क्रीम का निर्माण हो जाएगा जिससे हम अपना फर्नीचर साफ़ कर सकेंगे। थैंक यू बच्चों।